हेलो एवरी वन कुमर शर्मा द साइड एंड हेयर आई वेलकम यू ऑल एट योर ओन गार्गी क्लासेज अ प्लेस वेर यू कैन ईजिली गेट ऑल द इन्फॉर्मेशंस रेलिवेंट टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल राइट दैन तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ द मैथड्ज एंड अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए क्या मैथड्स होने चाहिए और कौन कौन से अप्रोचेज़ होने चाहिए बेसिकली ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पर्टिकुलरली प्रेस्क्राइब्ड है इन टू योर लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकेंड ऑफ योर रीट एग्ज़ामिनेशन ठीक है तो आज बेसिकली uh, मैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी आपको जिस uh, जिनको कई फिलोसोफर्स ने दिए हैं एंड सेकेंड थिंग मैं uh, दो से तीन जो भी मैथड्स और अप्रोचेज़ होते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग उनके बारे में बताऊँगी और तो आइए मूव करते हैं विदार्ट मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग तो सबसे पहले मैथड्स एंड अप्रोचेज़ टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का डेफिनेशन क्या होता है क, uh, तो यहाँ पे दो फिलोसोफर्स हैं अकॉर्डिंग टू अशर एंड जेम्स इन दोनों ने एग्जैक्टली मेथड्स एंड अप्रोचेज़ के बारे में बताया था इन नाइनटीन में ठीक है द मैथड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज एंड प्लास्टिसाइज्ड बाई द टीचर्स इन द क्लास रूम इन ऑर्डर टू टीच देयर स्टूडेंट्स एंड अप्रोचेज आर द फलॉसफीज ऑफ टीचर्स अबाउट लैंग्वेज टीचिंग दैट कैन बी अप्लाइड इन द क्लास रूम बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग तो एग्जैक्टली exactly अब इसका मतलब क्या है उन्होंने मैथड्स एंड टीचिंग दोनों को अलग अलग बताया डिफाइन किया है मैथड्स क्या होते हैं बेसिकली मैथड्स टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज मैथड्स एग्जैक्टली कॉम्बिनेशनस होते हैं टेक्निक्स के बहुत सारी टेक्निक्स के कॉम्बिनेशनस जो कि यूज़ किए जाते हैं या फिर जिन्हें प्लास्टिसाइज किया जाता है टीचर्स के द्वारा इन दी क्लासरूम इन ऑर्डर टू टीच देयर स्टूडेंट्स तो अगर कोई भी टीचर बहुत सारी टेक्निक्स का बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं उन्हें कंबाइन करते हैं और फिर अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ डिलीवर करते हैं उस लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को तो वो तो क्या हो गया मैथड हो गया अप्रोच क्या होता है बेसिकली अप्रोचेज़ आर द फोसफीज़ अप्रोचेज़ बेसिकली वो फ़िलोसफी होती है टीचर्स की about language teaching that can be applied in the classroom by using different techniques of language teaching language teaching की बहुत सारी techniques का जो भी classroom में available चीजें हैं उनके through उने apply करके पढ़ाना क्या होता है? approaches होता है तो यार methods और approaches इन दोनों को अलग अलग तरीके से बताएं methods क्या हो गया बहुत सारी techniques को combine करके ठीक है उन्हें यूज़ करना प्लास्टिसाइज करना टीचर्स के द्वारा और उन्हें क्लासरूम में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ाना स्टूडेंट्स को और अप्रोच क्या हो गया अप्रोच एक फ़िलासफ़ी होती है बेसिकली टीचर्स की जो कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए वो यूज़ में लेते हैं और अप्लाई किए जाते हैं क्लास के अंदर जो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं लैंग्वेज टेक्निक्स होती हैं उनको गैदर करके ठीक है तो टेक् टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करके पढ़ाना इज मैथड ठीक है और जो भी अवेलेबल सोर्सेज होते हैं इनसाइड द क्लासरूम उन्हें अप्लाई करके और उन्हें अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा पढ़ाना क्या हो गया आपके हो गए ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ अ टीचर हैज़ एन अप्रोच दैट लैंग्वेज इज़ द कम्युनिकेशन एंड लर्निंग लर्निंग अ लैंग्वेज इज इन फैक्ट लर्निंग द मीनिंग्स अगर किसी टीचर का ये अप्रोच है किसी टीचर का ये अप्रोच है कि जो लैंग्वेज होती है वो एक कम्युनिकेशन है लैंग्वेज इज़ द कम्युनिकेशन एंड लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ इन फैक्ट लर्निंग द मीनिंग्स तो लैंग्वेज तो क्या हो गया एक कम्युनिकेशन हो गया कम्युनिकेशन का वे हो गया और लैंग्वेज को सीखा किस तरीके से जा सकता है उसकी मीनिंग को समझ के तो ये किसी भी टीचर की कोई भी अप्रोच हो सकती है फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज सो द टेक्निक्स विल बी बेस्ड ऑन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड टास्क बेस्ड मैथड तो जो टेक्निक्स होती हैं ना वो कम्युनिकेटिव बेसिक्स होंगे कम्युनिकेशन जैसे अगर लैंग्वेज को आपने कम्युनिकेशन के ज़रिए आप पढ़ाना चाहते हो और आप समझते हो कि लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन है और उसका मीनिंग स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए तो क्या करेंगे टीचर्स वो ही टेक्निक्स यूज़ करेंगे जो कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और उसके टास्क बेस मैथड्स में जो भी बेस्ड होंगे उन्हीं के थ्रू उन्हीं वो ही अप्रोचेस के थ्रू वो आप अपने स्टूडेंट्स को वो लैंग्वेज लर्न करवाएंगे ठीक है सो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन वाज गिवन बाय एशरन जेम्स अनादर डेफिनेशन वाज गिवन बाय फ्रीमैन इन टू थाउजेंड मैथड्स विच आर टॉट टू द टीचर्स मेक अ बेस एंड गिव दम थिंकिंग अबाउट द एप्लीकेबल टेक्नीस एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेयर दिस टैंड मैथड्स क्या होते हैं जो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ही यूज़ में लेके उन्हें ही अप्लाई करके स्टूडेंट्स को वो लैंग्वेज सिखाना ठीक है तो मैथड्स विच आर टॉट टू द टीचर्स मेक अ बेस एंड गिव दम थिंकिंग अबाउट द एप्लीकेबल टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेयर दिस टैंड जहाँ कहीं टीचर्स uh, खड़े हैं जो भी सिचुएशन है जो भी सरकमस्टांसिस है जो भी टेक्नोलॉजीज वहाँ पे जो भी टेक्निक्स हैं उन्हीं को यूज़ करके उन्हीं को अप्लाई करके लर्नर्स या स्टूडेंट्स को वो लैंग्वेज पर्टिकुलर सिखाना दे आर क्लियर अबाउट देयर अट्रैक्शन टूवर्ड सर्टन मैथड्स एंड ऑल्सो थिंक दैट वाई हैव दे रिपेल सर्टन मैथड द नॉलेज ऑफ मैथड इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज देयर नॉलेज इज बेस ऑफ थिंकिंग टीचिंग किसी भी मेथड का नॉलेज होना किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टीचिंग का बेस ही मेथड होता है एंड दे आर क्लियर अबाउट देर अट्रैक्शन टूवर्ड्स सर्टन मैथड्स जो टीचर्स होते हैं वो क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स भी क्लियर होते हैं टूवर्ड्स देर मैथड ऑफ टीचिंग और लर्निंग अ लैंग्वेज एंड ऑल्सो थिंक दैट वाई हैव दे रिपेल्ड सर्टन मैथड ठीक है तो किसी भी सर्टन मैथड को इस्तेमाल करना उसके बारे में जानना एक टीचर के लिए बींग अ टीचर एंड टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न ऑल अबाउट दैट लैंग्वेज अ टीचर मस्ट हैव दी पर्टिकुलर मैथड एंड अप्रोचेज और वो मैथड अप्रोच क्या होता है जो भी सिचुएशन है जो भी सरकमस्टांसेस हैं उन्हीं जो भी आपके पास टेक्निक्स है जो भी सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं उन्हीं के थ्रू आप बीइंग अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखाएं अब सबसे पहला जो मैथड uh, आता है अपना दैट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आता है सबसे पहले मैथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग तो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मैथड फॉर लैंग्वेज टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग के लिए बहुत ही एमनेंट और हम कह सकते हैं वाइडली यूज मैथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड बट दिस मैथड वॉज फर्स्ट यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग लेटिन लैंग्वेज सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड का किसी भी लैंग्वेज को टीच कराने के लिए यूज़ किया गया था तो वो लैंग्वेज थी लेटिन लैंग्वेज लेटिन वॉज कंसिडर्ड एज क्लासिक लैंग्वेज लेटिन लैंग्वेज जो है वो एक क्लासिक लैंग्वेज थी द लर्नर्स वर मेड एबल टू स्टडी लि द लिटरेचर ऑफ लेटिन लैंग्वेज थ्रू लर्निंग द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग द विकबलरीज सो दैट द लर्नर्स मे ट्रांसलेट द लैंग्वेज इन द फर्स्ट लैंग्वेज एंड इन द सेकेंड लैंग्वेज अब बेसिकली ग्रामर ट्रांसलेसन मैथड और वोक्याबलरी लर्निंग मैथड ये दोनों कब सिखाई जाती है जब स्टूडेंट्स को आपको इतना एबल बना देना कि वो ऑटोमेटिकली जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हैं जो भी सेकंड लैंग्वेज है जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसे ग्रामर ट्रांसलेशन या ग्रामर रूल्स के थ्रू वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके और फिर उस लैंग्वेज को इजीली समझ सके तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे पहले यूज़ कब हुआ था जब लैटिन लैंग्वेज लैटिन एज अ क्लासिक लैंग्वेज सिखाई जाती थी ठीक है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड या विकैबलरी लर्निंग मैथड किसी भी लैंग्वेज को फॉरन लैंग्वेज को अपनी बेसिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे समझने में ईजी रहता है तो ये फर्स्ट मैथड हो गया अपना ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ऑल दो बाद में इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी किया गया था इस चीज़ को रिकनवर्ट भी किया गया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड सही नहीं है आगे देखते हैं डायरेक्ट मैथड अब ये ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के जस्ट ऑपोजिट है जो डायरेक्ट मेथड है क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जब ऑब्जेक्शन हुआ तो डायरेक्ट मेथड का एग्जैक्टली exactly इनिशिएटिव हुआ द डायरेक्ट मेथड वाज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसके अगेंस्ट में जब वॉइस क्रिएट हुई तब ये डायरेक्ट मैथड एग्जैक्टली रिक्रिएट हुआ बाई द फिलोसफर्स

दिस मैथड इज अगेंस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ रिटर्न एंड ऑरल टेक्सट एंड फोकसेज ऑन टेलिंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स थ्रू एक्शन डेमोस्ट्रेशन और रियल ऑब्जेक्ट ये जो मैथड है ये किसी भी ट्रांसलेशन के अगेंस्ट में है रिटर्न ट्रांसलेशन औरल टेक्स्ट ट्रांसलेशन इन सब के अगेंस्ट में है डायरेक्ट मैथड का मेन पर्पज़ ये है कि कोई भी मीनिंग को डायरेक्टली समझना किसी भी एक्शन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू या रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिस मैथड फोकसज़ ऑन डायरेक्टली थिंकिंग डूइंग डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन इन सेकेंड लैंग्वेज ये जो मैथड है डायरेक्ट मैथड ये एग्जैक्टली अप्रोच करता है कि जो भी डिस्कशन हो जो भी कॉन्वर्सेशन हो वो फॉरन लैंग्वेज में ही हो जिस लैंग्वेज को आपको सीखना है उसी लैंग्वेज में आपकी डिस्कशन हो उसी लैंग्वेज में आपका कॉन्वर्सेशन हो उसी लैंग्वेज में, में आप सोचें प्लस उसी आ, आ, पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसी फॉरेन लैंग्वेज में आपके एक्शंस भी हों तो ये पर्टिकुलर ये जो डेफिनेशन दी है वो रिचर्ड एंड रोजर्स ने दी है डेफिनेशन टू अनादर डेफिनेशन सिक्स एंड ही डिस्क्राइब द एम्स ऑफ द डायरेक्ट मैथड एम्स बताए हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के ही डिस्क्राइब दैट डायरेक्ट मेथड इज एन अटेम्प्ट एन एफर्ट टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन थाट एंड एक्सप्रेशन एंड बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज तो बेसिकली डायरेक्ट मैथड एग्जैक्टली एक लिंक स्टेबलिश करता है बिटवीन द थाट एंड द एक्सप्रेशन एंड बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज तो एक्सपीरियंस और लैंग्वेज और थॉट और एक्सप्रेशन इन तीनों चार इन सॉरी थाट एंड एक्सप्रेशन के बीच में एक म्यूचुअल लिंक क्रिएट करता है डायरेक्ट मैथड एंड प्लस एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज के बीच में एक म्यूचुअल वो सिचुएशन क्रिएट करता है दिस डायरेक्ट मैथड तो इस तरीके से ये दोनों मैथड है विच आर ऑल ऑपोजिट टू ईच अदर द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड एंड द डायरेक्ट मैथड सो फॉर टुडे आई थिंक दीज टू मैथड्स आर ऑल अनफ मैंने डेफिनेशंस बताई है यहाँ पर डायरेक्ट और जो मैथड्स एंड अप्रोचेज होते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो भी फिलासफर्स ने अपने अपना अपना नॉलेज शेयर किया है विद द दीज पर्टिकुलर मैथड्स एंड अप्रोचेज एंड प्लस ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड एंड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्ट मैथड के बारे में मैंने आज आपको बताया है ऑल राइट दैन सू स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेज एंड डोंट यू कैट टू फॉलो अस अपॉन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड अपॉन द टेलीग्राम टू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें एंड डू लाइक द सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गर्गी क्लासेस